उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में गुरुवार दोपहर एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना को दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है। जस्टिस जसमीत सिंह और जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का ऐलान किया और साथ ही 2 हफ्ते में जब नोटिस का जवाब आएगा तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस एस सी शर्मा की अगुवाई वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी और उस जवाब पर आगे बहस होगी और विचार किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह की जितनी भी इमारतें हैं उनके फायर सर्विस की को लेकर उनकी जांच कराई जाए, उनका फायर ऑडिट कराया जाए कि क्या इन इमारतों के पास और जिस इमारत में आग लगी है उसके अलावा आसपास के अन्य इमारतें और पूरी दिल्ली की इस तरह की इमारतों में जहां सार्वजनिक काम होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी इमारतें हैं, क्या उनके फायर ऑडिट हो चुके हैं, फायर ऑडिट की क्या स्थिति है, इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। हम आपको बताएं कि गुरुवार को दोपहर लगभग 12:45 का वक्त था और उस इमारत में अचानक आग लगती है और आग लगने से कहा तो ये जा रहा है शुरुआती जांच में कि मीटर में आग लगी थी, बिजली के मीटर में, और वहां से आग फिर जंगल की आग की तरह कहें तो फैलती चली गई। वो ज्ञान बिल्डिंग थी, लेकिन ज्ञान बिल्डिंग के लोगों ने कितनी अज्ञानता कर रखी थी इसका खुलासा अब इस फायर ऑडिट रिपोर्ट में होगा। कोर्ट ने ये कहा है कि फायर ब्रिगेड विभाग ये जांच करे कि क्या इन इमारतों के पास फायर सेफ्टी को लेकर उचित लाइसेंस, उचित कार्रवाई उन्होंने की थी, फायर सेफ्टी के इंतजाम कैसे थे। इसके साथ अभी हाल में चांदनी चौक इलाके में, इसके पहले सदर बाजार इलाके में जबरदस्त आग लगी। ये तो गनीमत रही कि उस 5 मंजिला इमारत में जहां कई कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, उस ज्ञान बिल्डिंग में उस समय लगभग 300 छात्र थे जो कोचिंग कर रहे थे। बाहर निकलने के 2 रास्ते थे, एक रास्ता पहली मंजिल पर ही बंद कर दिया गया था, भगवान जाने कौन सा उसका कारण था। दूसरे रास्ते पर वो निकल नहीं पाए बच्चे, और ऐसे में जब आग की वजह से लपटें तेज हुई और पाइप गर्म हो गया था तो उस समय सारे बच्चे पाइप पकड़ कर लटक कर उन्होंने अपनी जान बचाई और पाइप के सहारे नीचे उतरे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड ने ऊपर से रस्से लटकाए और उन रस्सों को पकड़ कर वो निकले, जिसमें बिजली चूंकि कट चुकी थी, अंधेरा हो गया था, सब एक दूसरे से इधर उधर टकरा रहे थे, चीख पुकार मची थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे बच्चे। ऐसे में वो रस्सों से पकड़ कर उतरे और प्रैक्टिस नहीं होने से और कुछ घबराहट की वजह से उनके हाथ भी घायल हुए, कई बच्चे वहां घायल हुए, कई लोगों ने तो जब वो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे क्योंकि हाथ पैर फूल जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो उन्होंने जो विंडो एसी थे उन पर खड़े होकर अपनी जान बचाई। 61 छात्र उस समय उनको बाहर निकाला गया, बाकी छात्र जो नीचे की मंजिलों पर थे वो तुरंत बाहर निकल गए। उन 2 मंजिलों पर, चौथी और पांचवी मंजिल पर 61 छात्र फंसे थे, जिनमें से उनको 3 अस्पतालों में दाखिल कराया गया। वहां 10 फायर टेंडर पहुंचे और 16 कैट के एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस ने घायल बच्चों को अस्पतालों में दाखिल कराया, जहां लगभग 11 बच्चे अभी भी अस्पताल में हैं, बाकी 50 से ज्यादा बच्चों को छुट्टी दे दी गई है प्राथमिक उपचार के बाद। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और सरकारें भी ये दावा करती हैं कि वो जनता के लिए बहुत गंभीर हैं, संजीदा हैं, तो ऐसे में क्या वजह है कि इन इमारतों में मौजूद संस्थानों में आग के प्रति इतनी उदासीनता क्यों है? अफसरों में पैसे खाकर और ऑडिट नहीं करने का ये सलीका क्यों है? ये बड़े सवाल हैं जो इस समय अब हाईकोर्ट के सामने जब इन सवालों पर चर्चा होगी तो इस पर बात होगी कि आखिर जिम्मेदार कौन है इन तरफ की चीजों का। क्या वो दुकानदार, क्या वहां रहने वाले, क्या उन इलाकों में तारों का जंजाल और साथ ही अतिक्रमण, क्या ये लोग जिम्मेदार हैं? अगर ये जिम्मेदार हैं तो इस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन तमाम चीजों पर उम्मीद है कि हाईकोर्ट संज्ञान लेगा और हाईकोर्ट अधिकारियों से पूछेगा, प्रशासन से पूछेगा, सरकार और शासन से पूछेगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कौन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुआ है। हालांकि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, कोर्ट में मामले गए हैं, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, लंबे चौड़े आदेश पारित किए हैं, लेकिन जरूरत यह है कि डॉक्टर के से पर्चे लिखाने से बीमारी दूर नहीं होती है, दवा खाने से और डॉक्टर की सलाह पर चलने से बीमारी दूर होती है। तो ऐसे में मुश्किल ये है कि अब क्या
कोर्ट ने हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किए हैं, नोटिस के जवाब आएंगे। क्या ये सिर्फ कागजी खानापूरी होकर रह जाएगा या फिर कुछ कंक्रीट इंतजाम होंगे, क्योंकि सरकारें चाहे डबल इंजन की हो या सिंगल इंजन की, सबका दावा यही रहता है कि वो जनता की सेवा के लिए और अच्छे प्रशासन के लिए सरकार में आए हैं। उन्हें सत्ता का लालच नहीं, बल्कि वो जनता को अच्छा प्रशासन देना चाहते हैं, अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं। एक बार फिर सरकार यानी शासन और प्रशासन कसौटी पर है, देखते हैं कसौटी पर जो रेखा आती है सोने की, उसमें कितना खोट है, कितना खरापन है। संजय शर्मा, दिल्ली।